नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको तुला लगन एवं तुला राशि वाले जातकों के विषय में वह बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, आपके लिए उपयोगी रत्न कौन कौन से हैं, किस देवता की उपासना करके कौन से मंत्र का जाप करके आप सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तुला वालों का स्वभाव न्यायप्रिय होता है, क्योंकि तुला शब्द का अर्थ है तराजू और शुक्र ग्रह इस राशि का स्वामी होता है, इसलिए ये लोग थोड़ा रोमांटिक मिजाज के होते हैं। लेकिन प्यार में सबसे ज़्यादा धोखा, संबंधों में सबसे ज़्यादा धोखा तुला और वृषभ राशि के लोग ही खाते हैं। तमाम तरह की चर्चा आज की वीडियो में करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में देर ना किए हुए आगे बढ़ते हैं। राशि से नौवें स्थान में पड़ती है मिथुन राशि, इसके स्वामी हैं बुध। तो आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है, आपके बुध कमज़ोर नहीं है जन्म कुंडली में किसी भी दृष्टिकोण से, तो भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर हैं, मृत अवस्था में है, कम डिग्री में है, यानी कि बाल्यावस्था में है या बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध अवस्था में है, अस्त स्थितियों में है, तो बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को जीवन में असफलताओं का मुख देखना पड़ता है। तो कुंडली खोलते के साथ ही सबसे पहले आपको बुध की स्थिति देखनी है, बुध की स्थिति कैसी है। और बुध कमज़ोर होने पर पन्ना रत्न अवश्य धारण करें या श्री गणेश जी महाराज की उपासना करें। क्योंकि आपकी राशि से नौवीं राशि का स्वामी यदि कमज़ोर है, तो जीवन में कदम कदम पर धर्म धक्के खाने पड़ते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, जो कि आपकी ये राशि का स्वामी है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, कर्म स्थान के स्वामी है। तो साथियों, शनि का महत्व भी तुला लगन में कम नहीं है, क्योंकि शनि चौथे और पांचवें घर के स्वामी है। यह पांच ग्रह शुक्र, जो कि आपके लगन को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि जो सुख को और बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध आपका सारा भाग्य, कामों का बिगड़ना, कैरियर में उतार चढ़ाव बुध पर निर्भर करता है, पिता के साथ संबंध और अपने काम का कितना फैलाव आप कर पाएंगे यह चंद्रमा पर निर्भर करता है, और आपकी जन्म कुंडली में इनकम के स्वामी सूर्य हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन पांचों ग्रहों में जो भी ग्रह कमज़ोर अवस्था में हो, रिसर्च करके, जानकारी लेकर के उसके सटीक उपाय आपको करने चाहिए। आपके भाग्य को चमकाने के लिए श्री गणेश जी की उपासना करें, यह आपके लिए प्रत्येक जो आपके जीवन का संघर्ष है उससे बाहर निकालने के लिए है। और ओपल यानी कि शुक्र का रत्न और पन्ना, यह दो रत्न तो आपके लिए लगभग आवश्यक हैं, लेकिन यदि कुंडली में शनि, चंद्रमा या सूर्य इनमें से कोई भी ग्रह बेहद कमज़ोर है, तो आपको इन ग्रहों के रत्न ज्योतिषी की सलाह से संपूर्ण जानकारी होने के बाद अवश्य पहनने चाहिए। शनि कमज़ोर होगा तो मकान बहुत देरी से बनेगा और शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आएंगी। तुला लगन से चंद्रमा के कमज़ोर होने पर आप अपने कार्य को कभी, क्राइटेरिया को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे, और सूर्य के कमज़ोर होने पर आपकी इनकम में
बड़ी भारी अनियमितता आ जाएगी, या पाप दृष्ट होने पर, पाप कर्तरी योग में होने पर सूर्य के आपकी इनकम बहुत ज़्यादा आपकी क्षमताओं के हिसाब से, काम के हिसाब से ना के बराबर रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। कुंडली में चूंकि तुला लग्न में 5 ग्रह बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनमें कौन कमजोर है कौन मजबूत है यह भी देखना होगा। मैं कामना करता हूँ तुला लग्न से संबंधित यह जानकारी आपके काम की सिद्ध होगी। समस्त राशि एवं लग्नों के विषय में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।